गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में बात किया था बिलास्टी के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, और कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में। और इस पर आधारित ढेर सारे क्वेश्चन नीट और आईटी में आ चुके हैं, पर हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराई थी। वो आपको मैंने बताया था कि आप इसे घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं आता तो बताइएगा। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जब तक आपका कमेंट आता रहेगा। तो अभी बहुत ज़्यादा कमेंट तो नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाया उस क्वेश्चन पर। तो आज की इस वीडियो में मेरा थर्ड लेक्चर है, तो मैं इस लेक्चर में बात करूंगा कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हम दो फैक्टर के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली क्या सारे फैक्टर एक दिन में हम बात कर लेंगे, पर आपको अगर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए या फिर आपको समझ में ही ना आए तो बेकार हो जाएगा। तो एक एक करके करते हैं ताकि टाइम बने रहेगा, आपको समझ में आएगा। तो चलिए, पहला जो फैक्टर है रेट ऑफ रिएक्शन का, तो पहले हम बताते हैं आपको जो रेट ऑफ रिएक्शन, ये शॉर्ट फॉर्म है, क्या है रेट ऑफ रिएक्शन। इसका जो फॉर्मूला होता है के के की पावर एन, ये क्या है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट आप कह सकते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट है। और ये क्या है, ये कंसंट्रेशन है। और ये क्या है आपका, ये एन जो है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए एक एग्जाम्पल लेके समझने का प्रयास करते हैं। सपोज ये क्या है, ए है ए प्लस बी, और ये क्या है सी प्लस डी। इसको मान लेते हैं इनपुट, तभी आपको समझ में अच्छे से आने वाला है। इसको मान लेते हैं आउटपुट। चलिए एक टंकी लेते हैं, इससे एक लगा देते टैप, हमने यहाँ से टैप लगा दिया। समझने का प्रयास करना, बहुत सिंपल, आपको रटना नहीं है। हमने एक टैप लगा दिया यहाँ से, और यहाँ से अगर इसे ऑन करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि ये हमारा क्या था इनपुट। अब देखिए समझिएगा, अगर ये हमारे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टैप में, ये टंकी में जो वाटर ये था, तो इसका जो स्पीड होगा थोड़ा सा कम होगा, लेकिन जैसे जैसे इसको हम बढ़ाएंगे क्या होगी, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। और बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया, और तेज से फेंकेगा पानी, और बढ़ा दिया। तो ये देखिए, और अगर समझ लो एक मिनट में एक बाल्टी ये भर रहा था पानी इस टोटी से, जब हमने इसका कंसंट्रेशन मतलब इसका जो अमाउंट बढ़ा दिया, क्या एक मिनट में अभी भी एक भरेगा, नहीं, क्या हुआ होगा, ज़्यादा भरेगा ना, ज़्यादा बाल्टी एक मिनट से कम सेकंड में। इसका मतलब क्या है, इसका टाइम घट गया, टाइम मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया ना। तो समझिएगा क्या हो रहा है। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा। बट अगर कंसंट्रेशन ऑफ, ये रिएक्टेंट के लिए है, रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कहोगे सर ये कैसे होगा, चलिए इसको भी समझ लेते। सपोज ये व्यक्ति जैसे कि भूखा है और ये इसको खाना खिलाने वाला है, तो जितना ये खाना खिलाएगा जब ये भूखा थी तेजी से खाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब इसकी भूख खत्म हो जाएगी, मतलब ये जो प्रोडक्ट इसकी भूख खत्म हो जाएगी। तो जब इसकी भूख खत्म हो जाएगी या खत्म होने वाली रहेगी, तब जब ये इसको देगा तो क्या ये लेगा, नहीं, ये स्लो स्लो लेगा। आप घर पे देख लो, जब आप बहुत तेज से भूखे होते हैं तो एक दो रोटी क्या करते हैं आप, एक मिनट के अंदर चट कर जाते हैं, लेकिन जब आपको भर जाता है तो आप क्या करते हो, एक चपाती खाने में 2 मिनट लगा देते हो, लास्ट में इतना छोटा निवाला छोड़ के चले जाते हो कि नहीं जाएगा। तो आपकी जो रेट थी खाना खाने की, स्पीड थी, घट गई कि नहीं, हुई ना। तो किस पे डिपेंड किया, उस अमाउंट पे। पहले तो आपका पेट जब खाली था आपने तेज खाया, मतलब प्रोडक्ट के पास कम कंसंट्रेशन था तो तेज गया, लेकिन जब भर गया तो क्या हो गया, बहुत कम हो गया। यही चीज़ें यहाँ पर भी होती हैं। चलिए, तो आपको समझ में आया होगा इससे, ये तो हाइपोथेटिकल था। चलिए फॉर्मूले समझ लेते हैं कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं। इसका मतलब आपने देखा ना, अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे पहले से तो ये इसमें कन्वर्ट होना कम हो जाएगा, जब कम हो जाएगा तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलरेडी कम हो जाएगा, लेकिन जब इसका कंसंट्रेशन बहुत कम होगा तो इसमें से ये बहुत तेजी से भागेगा। इससे हमने टैप का एग्जांपल लिया। चलिए फार्मूले पे आते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के ए टू पावर एन। अब हमने यहाँ सारी डेटा आपको बता दिया, ये रेट ऑफ रिएक्शन, ये के क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये जब कांस्टेंट, इस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब ये इसके चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस रेट ऑफ रिएक्शन को किस पे फर्क पड़ेगा, कंसंट्रेशन।
अगर इसको हम बढ़ाएंगे, सपोज करना ये बढ़ाएंगे, तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, बट किसका? रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का नहीं। अगर प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा? इनवर्सली प्रपोर्शन। अब देखो भाई, जब हम इसको बढ़ाएंगे तो ये ऑलरेडी बढ़ता जाएगा, है कि नहीं? तो ये कब तक सही होगा? इफ एन इक्वल टू 1, 2, 3 सो ऑन, बट इफ एन इक्वल टू 0, मतलब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभी आपको पता नहीं है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती क्या, बस जानते हो कुछ होती है, जब तक कि टाइम नहीं आता, समय आने का आपको सब बता दिया जाएगा। तो देखो, अगर ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब ये एन की वैल्यू 0 हो जाए, तो क्या अब भी रेट ऑफ रिएक्शन इस कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? चेक कर लेते हैं। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन 1 था, तो ये इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? इसका जो पावर 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2 रहेगा, तब भी बढ़ जाएगा, मतलब ये अभी भी ये सब सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये 0 हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन के ए की पावर 0 कर लो, एन इक्वल टू 0 ना, तो ये वैल्यू टोटल क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आपको बात समझ में आ गई, क्यों? क्योंकि ये पूरी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब इसको आप बढ़ाओ या घटाओ, हमेशा 1 ही रहेगी। जब ये 1 है तो जितना ये तब था उतना, अब कोई इसका रेट चेंज ही नहीं होगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत आसान है, एक बार फिर से देख लीजिए। ये इसके डायरेक्टली प्रपोर्शनल तो है, लेकिन ये कब सही होगा? जब यानी इक्वल टू 0। यानी इक्वल टू 0 का मतलब किस ऑर्डर की रिएक्शन होगी? 0 ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर रिएक्शन। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, किस ऑर्डर की रिएक्शन में कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो चलिए एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, इफ रेट ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्टेंट के लिए भाई साहब, रिएक्टेंट के लिए, रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज करेगा तो आपका जो, सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन तब इंक्रीज करेगा जब आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा जब आपका कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। तो ये एक फैक्टर हमने फिनिश किया, फटाफट नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग दूसरे फैक्टर के बारे में बात करने वाले, जो कि हमारा प्रेशर है। अब आइए उसको देखते हैं, वो किस प्रकार से हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। एक्चुअली वो डिपेंड करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो भी होगा अभी देखते हैं। इसके लिए आपको मिटाना पड़ेगा, इस फार्मूले को आपको ध्यान रखना होगा, यही फार्मूला मेन है। इस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे कि आसानी से ले लेंगे। पहले तो एक हाइपोथेटिकल समझते हैं। हम तो कहते हैं भाई, प्रेशर भी हमारा क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, एंड रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, एक्सेप्ट एक्सेप्ट 0 ऑर्डर। चलिए अब हम कहते हैं प्रेशर कैसे करेगा। भाई साहब, हमने केमिस्ट्री पहले पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में प्रेशर के लिए एक फार्मूला होता है, पी इक्वल टू सी आर टी, अगर आपको याद होगा। और सी मतलब क्या है यहाँ पे? कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन सी इक्वल टू क्या होता है? एन वाई वी, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलिए इसका मतलब क्या है? सी क्या है? कंसंट्रेशन है। तो भाई जब हमने कह दिया कि कंसंट्रेशन है सी, है सी आर टी, इसका मतलब अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? ऑलरेडी बढ़ेगा। कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, समझिएगा। अगर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रेशर बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अब इस फिगर को भी बना सकते हैं, जैसे कि इसमें कोई लिक्विड भरी थी पहले से, इनके ये मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर थे, ये इस पर हमने एक सिलेंडर लगा, पिस्टन लगा दिया, सिलेंडर के अंदर भरे थे, एक पिस्टन लगा दिया। अब इस पिस्टन को हमने क्या कर दिया? प्रेशर बढ़ा दिया, ये प्रेशर एग्जर्ट किया। जब प्रेशर को हम इस पर बढ़ाए तो ये क्या हुआ होगा? पिस्टन नीचे की तरफ मूव किया होगा। सपोज ये पिस्टन अब कहाँ आ गया? यहाँ से खिसक करके ये यहाँ कहीं आ गया। तो जो ये मॉलिक्यूल इतने दूर दूर थे, अब क्या हो गए होंगे? पास हो गए होंगे। अगर ये पास हुए तो इसका कंसंट्रेशन क्या हुआ? बढ़ गया। तो अब ये कंसंट्रेशन बढ़ गया ना, समझिएगा, कंसंट्रेशन बढ़ गया। और अभी इससे आपने देखा था, पहले निकाला था, कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है। तो इससे क्या पता चलिए? ये हाइपोथेटिकल थी, मतलब इमेजिंग थी, ये प्रैक्टिकली है, आप कर सकते हैं। तो ये इमेजिंग करके हमने आपको बताया, और ये हमारा क्या प्रूफ है, फुल प्रूफ है।
अगर हमारा प्रेशर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हमें ये भी पता है रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और कंसंट्रेशन को हमने यहाँ किससे लिखा था, ए टू पावर एन से लिखा था, यही तो कंसंट्रेशन है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा ना ए टू पावर एन, यानी क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए क्या होगा, जीरो ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, मतलब कि ये रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा, जीरो ऑर्डर के रिएक्शन है। तो चलिए एक और एग्जांपल इस तरह का लेते हैं। अभी मैंने आपको टैंक बताया था ना, अब टैंक में अगर आप प्रेशर बढ़ा दो, या फिर पंप का एग्जांपल लो, आप साइकिल में हवा डालते हैं ना, पंप का एग्जांपल लो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि पंप में छोटी सी ओपनिंग होती है, सॉरी, जब आप पिस्टन को दबाते हैं तो उससे एयर बाहर निकलती है, लेकिन अगर आप पिस्टन को खूब तेज से दबाएंगे तो क्या होगा, एयर तेज से निकलेगा। तो जिस रेट से प्रोडक्ट बन रहा था, देखना पहले स्लो आप दबा रहे थे पिस्टन को, तो स्लो प्रोडक्ट बन रहा था, मतलब एयर कम निकल रही थी। जब आप तेजी से दबा दिए, मतलब प्रेशर को बढ़ा दिए, तो जो हवा निकल रही थी ओपनिंग से ना, पंप की ओपनिंग से, अब वो तेज निकल रही, मतलब उसका रेट क्या हो गया, होगा ज्यादा हो गया। तो उससे भी कह सकते कि आप प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रपोर्सनल होता है आपके कंसंट्रेशन। अब खुद ही सोच लो यार, ये सब दूर दूर भागे थे, जब इन पे प्रेशर लगा तो सब पास पास आ गए। अब अपने स्कूल का एग्जाम्पल ले लो, जब इंटरवल होता है तो आप स्कूल के जो रूम होते हैं उनसे बाहर भाग के फील्ड में चले जाते हैं, तो आपके ऊपर प्रेशर होता है किसी स्टाफ का नहीं, लेकिन जैसे ही बेल लगती, कोई टीचर गैलरी में आया, बालकनी में आया, तो आप एक अलग से टीचर का प्रेशर आ जाता है, और तुरंत आप आपके पास पास बैठ जाते। तो आप जब पास पास आए तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ा कि नहीं, बढ़ गया ना, है आप सब पास पास आ गए, पर यूनिट वैल्यू में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट से ज्यादा हो गए ना आप। तो यही चीज इसमें भी होती है केमिस्ट्री में, कुछ अलग नहीं आप सोचिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं दो ही फैक्टर के बारे में बात करूंगा, अगले दिन कुछ अगले फैक्टर के बारे में बात करूंगा। तो इस पर भी आप क्वेश्चन लगाइएगा, इस पर दो तीन क्वेश्चन है आपके कंपटीशन में भी, कि कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हो, क्यों करते हैं, तो क्यों करते हैं ये मैंने दिखाया आपको, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी दिखाई और आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी दिखाई। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।